हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं एक विच इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम एंड आल्सो बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई सजेस्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट द प्रॉब्लम ऑन योर ओन। आफ्टर दैट यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लेट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट ऑफ एन। तो कोई भी नंबर जो हम लेंगे एन, यहाँ एन नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, राइट। तो कोई भी नेचुरल नंबर मैं लूंगा तो उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो उसका फंक्शन का वैल्यू हो गया उस पॉइंट एफ के लिए। फिर जी एन क्या देखिए, जी एन इज लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट एफ ऑफ अप टू एफ एन, यानी कंपोजिशन करनी है इस फंक्शन की के टाइम, और उसमें फिर के टेंस टू इनफाइनाइट, इसका इनफाइनाइट टाइम हमें इसको कंपोजिट फंक्शन बनाना है। तो आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर बात करेंगे कि ये वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए कोई भी नंबर अगर अपन लेते हैं राइट, और उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, कोई एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एन का वैल्यू लिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 8 और 9, ये मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया है, ये n है। तो f ऑफ n क्या होगा, ठीक है f ऑफ n हो गया इन सब का सम, तो 1 टू 9 तक आप सम करेंगे देन यू गॉट 45, करेक्ट। तो f ऑफ n 45 हो गया। अब f ऑफ fn क्या हो गया, f ऑफ fn हो गया f ऑफ 45, यानी इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, राइट। अब मैं कहूं कि f of fn क्या हो गया, तो दैट इज f of 9, और 9 का अगर हम सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। अब आप चाहे कि ये कंपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट टाइम कर लीजिए, यू ऑलवेज रिसीव 9, करेक्ट। तो अगर हम कोई भी नंबर यहाँ जी में पुट करते हैं तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, कि उस नंबर को सम ऑफ डिजिट निकालिए उस नंबर का, फिर उसका सम ऑफ डिजिट निकालिए, फिर जो रिजल्ट आता है उसका सम ऑफ डिजिट निकालिए। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब जो सम ऑफ डिजिट है वो आपको यूनिट डिजिट में मिलने लग जाएगा, और उसके बाद फिर वही डिजिट बार बार रिपीट होगा, चाहे आप इनफाइनाइट टाइम कर लीजिए, राइट। तो इसका मतलब ये है, ये फंक्शन क्या है कि हमें जो भी नंबर इसमें पुट करेंगे उसका सम ऑफ डिजिट, उसका सम ऑफ डिजिट, उसका सम ऑफ डिजिट करते करते हमको तब तक करना जब तक यूनिट डिजिट नहीं आ जाता है। तो एक यूनिट डिजिट आने तक सम ऑफ डिजिट हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ये फंक्शन है जी एन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो देखिए अच्छा सा नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है इस नंबर पे 4545 to the power 4545, तो मैं इसको पूरा तो सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो फिर हम कैसे पता लगाएं, देखिए किसी भी नंबर में और उसके सम ऑफ डिजिट में क्या रिलेशन होता है उस पर गौर करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है n, राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज x y z w, हियर x y z w आर डिजिट्स, ओके। नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मान लो 4 डिजिट का एक नंबर है, तो इसका जो सम ऑफ डिजिट होगा, सॉरी इसका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा x plus y plus z plus w। अब देखते हैं उसका n से क्या रिलेशन है, राइट। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये x का मतलब हो गया x into 1000, राइट, प्लस y into 100, प्लस z into 10, प्लस w। ऐसे लिख पाएंगे इसको, करेक्ट, इसकी वैल्यू यही आएगी। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं x into 999 प्लस 1, राइट, दिस 100 कैन बी रिटर्न 99 प्लस 1, और z और 10 कैन बी रिटर्न 9 प्लस 1 प्लस द, यानी फाइनली इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 99y 9z और प्लस यहां आ गया x प्लस y प्लस z प्लस w। ये रहा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, करेक्ट। और ये सब क्या है, ये सब का सब जो भी बनेगा दिस इज द मल्टीपल ऑफ 9, तो ये रही ये 9 का मल्टीपल है, तो इसको 9 लैम्डा बोलूं, राइट।
अब जैसे मान लीजिए कि ये जो सम ऑफ डिजिट है, ये हमारे पास टू डिजिट का, थ्री डिजिट का कोई एक नंबर आ जाता है, जोड़ने पे कोई ना कोई तो नंबर आएगा। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये नंबर आ गया, चलो ए बी सी, हियर ए बी सी इज आल्सो डिजिट्स, राइट। तो अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट फिर से इसमें यूज करूँ तो आप क्या पाएंगे कि हम इसको क्या लिख पाएंगे, मल्टीपल ऑफ 9 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा बन जाएगा सिमिलरली, राइट। तो देखिए ये n था, राइट, ये मिला मुझे f ऑफ n, सम ऑफ डिजिट्स का, और इसमें मैं फिर से अप्लाई कर दूं तो ये जो मिलेगा मुझे यहां पर, ये होगा f ऑफ n, और ये क्या है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो ये वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट करें तो ये इस तरह से बन जाएगा कुछ, मल्टीपल ऑफ 9 प्लस a प्लस b प्लस c, और ये जो वैल्यू है बेटा a प्लस b प्लस c, ये पहले जो सम ऑफ डिजिट बचा था उससे छोटा होगा। तो इस प्रोसेस को अगर मैं बार बार दोहराता जाऊं तो हर बार 9 का मल्टीपल अलग होता जाएगा और मुझे बार बार सम ऑफ डिजिट मिलता जाएगा, एट लास्ट एक यूनिट डिजिट यहां पे बचेगा, वही मुझे कैलकुलेट करना है, वही जीएन है, राइट। सम ऑफ डिजिट बनते बनते यूनिट प्लेस डिजिट बच जाएगा। तो आप ऐसे देखिए, जब यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट बचेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिजिट बच गया 5 और यहाँ 9 प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस एंड सो ऑन जो भी है, तो ये 5 ही मुझे पता करना है, राइट। तो अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये जो 5 बचाई वास्तव में क्या है, ये इस नंबर n को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो वहां जो रिमाइंडर बचेगा वो है। तो इन शॉर्ट ये सारी बात समझने से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको किसी नंबर में सम ऑफ डिजिट का, सम ऑफ डिजिट का, सम ऑफ डिजिट एंड सो ऑन ये कैलकुलेट करना है, तो बेटर होगा कि आप ये पता करें कि उस नंबर में को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, वही होगा हमेशा। आइए इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू और मैं आपको समझाता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए एग्जांपल हम लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, आई होप काफी बड़ा नंबर है, और देखते हैं इसका सम ऑफ डिजिट कितना होता है। इसका सम ऑफ डिजिट हो गया ये और ये 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, तो 20 और एक ये हो गया 21, राइट। इसका सम ऑफ डिजिट निकालेंगे 3, और फिर और सम ऑफ डिजिट निकालते रहोगे बार बार आपको 3 ही मिलता रहेगा, यानी अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 3। अब अभी जो हमने सीखा वो ये है कि अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर भी क्या 3 आएगा, तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड हुआ 9, 33, राइट, और 3 टाइम डिवाइड हुआ फिर 27, और फिर 6 हो गया ये 4 ही आ गए 64, 7 टाइम डिवाइड हुआ 63, रिमाइंडर बचा 1, और ये हो गया 15, फिर से 9, और ये हो गया 6 और 6 और 63, और रिमाइंडर आया 3, करेक्ट। तो ये बात है जो हम आपको वहाँ थ्योरेटिकली प्रूव किए हैं कि कोई भी नंबर अगर है तो बार बार हम उसका अगर सम ऑफ डिजिट निकालते रहें तो एट लास्ट हमें जो सम ऑफ डिजिट मिलेगा वो बराबर होगा जब आप उस नंबर को डिवाइड करेंगे 9 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसके। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर जो है दैट इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 9, वो 9 से ही डिविजिबल है, तो फिर उस केस में रिमाइंडर तो 0 बचेगा, लेकिन आप जानते हो सम ऑफ डिजिट तो 0 आ नहीं सकते, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 ही बचेगा, ओके। तो सम ऑफ डिजिट हमेशा क्या मिलेगा आपको, 9, यानी इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इस जी एन को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 9, राइट, इफ एन इज डिविजिबल बाय 9 या एन इज इक्वल टू 9 लैम्डा। अगर ये एन जो है ये 9 का मल्टीपल है तो रिजल्ट विल बी 9, क्योंकि 9 के किसी भी मल्टीपल में अगर आप सम ऑफ डिजिट निकालते रहें तो आपको हमेशा 9 का ही मल्टीपल मिलता है, जैसा आप जानते हैं ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है तो सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिवाइड होगा, राइट। तो हर बार आपको 9 से डिविजिबल नंबर ही मिलता रहेगा, और ये प्रोसेस यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट डिजिट पे कब खत्म होगा, जब लास्ट में आपको 9 मिलेंगे। और अगर मान लो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, इफ n इज नॉट 9 लैम्डा, तो ऐसे में फिर आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन n डिवाइडेड बाय 9, तो ये फंक्शन हो गया है अपना gn। अब हम एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए एक ही वैल्यू निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा 4 5 4 5,
टू द पावर 4545, ये कैसा नंबर है? इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 4 5 का टोटल हो गया 9 और ये भी 9, तो इसका टोटल ही 18 हो रहा है इस नंबर। तो दैट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल है, तो अगर इस नंबर को आप यहां पुट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 9। दोस्तों ए का वैल्यू होगा 9। अब आते हैं बी पे, 2341, ये देखना है मुझे कि क्या होता है। देखिए इसको अगर हम सम ऑफ डिजिट निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 235 और 49 प्लस 110 हो रहा है, राइट। तो ये 9 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं 1 को साइड में कर लूँ, इसको ऐसे लिख दूँ 2340 प्लस 1 टू द पावर 234, करेक्ट। तो आप देखेंगे 2340 ये पक्का 9 से डिवाइड होगा, राइट। तो अब अगर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करें तो आप आएंगे ये बनेगा 2340 की पावर 2341 प्लस 2341 C1 2340 पावर 2340 एंड सो ऑन प्लस, और लास्ट टर्म जो होगी इस एक्सपेंशन की वो होगी प्लस 1। इससे पहले जो भी टर्म होगी हमारे पास वो होगी, देखो अगर अपन लिखना चाहे तो दैट इज 2340 और 2340C 2349, ये टर्म्स होगी, ये सारी की सारी टर्म है, देखो 2340 आ रहा है, तो ऑल दीज टर्म्स आर डिविजिबल बाय 9। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसका मतलब बी का वैल्यू होगा 1, यानी इस नंबर को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है, राइट। सिमिलरली सी को चेक कर सकते हैं, देखिए सी को कैसे चेक करें, इसके लिए 287 इस पे फोकस करिए, 287, तो उसको सम अगर हम करें 287 का तो ये हो गया भाई 17, राइट। तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, 18 होता तो हो जाता, राइट। तो ये एक कम है, यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 288 माइनस 1 पावर 287 जो देखो वो 9 से डिविजिबल है। तो अब अगर मैं इसको फिर से बाइनोमियल से एक्सपेंड करूं तो जो मुझे लास्ट टर्म मिलेगी दोस्तों वो होगी माइनस 1 की पावर 287 यानी कि माइनस 1, और उससे पहले जितने भी नंबर आएंगे सब में 288 होगा, तो ऑल दीज आर डिविजिबल बाय 9, सो वी कैन राइट इट 9 लैम्डा माइनस 1, राइट। तो ऐसे में रिमाइंडर क्या बचेगा? देखिए रिमाइंडर माइनस 1 तो हो नहीं सकता ना, नेगेटिव तो रिमाइंडर होता नहीं है। तो यार लैम्डा एक बड़ा सा इंटीजर है, आप इसमें से एक इंटीजर अलग कर लेंगे तो ऐसे बन जाएगा, राइट। तो ये 8 बचेगा रिमाइंडर इस केस में, तो इसको 9 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर आता है। तो अगर आप इसके सम ऑफ डिजिट का सम ऑफ डिजिट का सम ऑफ डिजिट करते रहेंगे इनफाइनाइट टाइम, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? 8। तो इस तरह से सी का वैल्यू है दोस्तों 8। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। दोस्तों यहाँ पर देखो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी है, और वो इस तरह से है कि जैसे कोई भी नंबर n है, राइट, इसको हम हमेशा ही इस तरह से लिख पाते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 9 प्लस सम ऑफ इट्स, राइट। तो चलिए यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार सा गेम है जो हम डिस्कस करते हैं। देखिए आज मेरे को याद है जब मैं कुछ शायद 7th या 8th क्लास में था, तब इस तरह का एक गेम हम लोग खेला करते थे। तो वो किस तरह से था देखिए, कि हम क्या करते कि मैं उसको बोलता कि तुम ना कोई भी अपनी पसंद का एक नंबर चूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिया 2357, राइट। नाउ फाइंड इट सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट जैसे हम चेक करें अभी तो ये हो रहा है टोटल मिला के 17, और फिर ये था कि आप सम ऑफ डिजिट में से को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर लें, राइट। तो 0, 3 और 2 ये बचा। फिर अच्छा यहाँ तक मुझे कुछ भी पता नहीं है, राइट, ये नंबर उन्होंने अपने आप लिखा है, सम ऑफ डिजिट भी किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब एक नंबर आया। अब उस नंबर में से कोई भी एक डिजिट आप कैंसिल आउट कर दो, तो मान लो ये कैंसिल आउट कर दिया, राइट।
नाउ टेल मी द रिमेनिंग डिजिट्स. तो उन्होंने मुझे बताया 240, राइट. मुझे क्या बताया 240. अब मैं उनको ये बता सकता हूँ कि तो आपने कौन सा डिजिट कैंसिल किया है. और थ्योरी बड़ी सिंपल है, देखिए, क्योंकि हमने देखा कि किसी भी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो अगर मैं नंबर में से सम ऑफ डिजिट घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मल्टीपल ऑफ 9. तो याद रखिए ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 ही होगा. और जो 9 का मल्टीपल है ना, उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो जैसे मुझे तीन नंबर पता लगा 240, उसका सम ऑफ डिजिट मैंने किया तो आया 6. तो नेक्स्ट 6 में हम कौन सा डिजिट ऐड करें कि 9 से डिविजिबल नंबर बने. तो 6 में आप क्या ऐड करेंगे कि 9 से डिवाइड हो जाए. तो आंसर इज 3. और इस तरह से हम बता पाते थे कि 3 ही वो नंबर है जो आपने कैंसिल किया है. तो बहुत सिंपल सा मैजिक था. बट मुझे याद है इन क्लास ऑफ 7th 8th है ना, मैं इसको यूज़ किया करता था कि सम नंबर में से सम ऑफ डिजिट सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा 9 का डिविजिबल ही मिलता है. 9 एक बड़ा ही वंडरफुल नंबर है, है ना. बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी. चलिए फिर कभी किसी और वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे. फिलहाल आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया हो. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक द चैनल. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.